हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गीता गर्ग, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एलबीएस कॉलेज कोटपुतली। आज के वीडियो में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखना सीखेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्सेस के नाम को लिखना सीखा था। अभी हम यदि नाम दिया हुआ हो तो उससे फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, वो कैसे किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो अब हम एक एक करके सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें कैटायन और एनायन की संख्या कभी भी नहीं लिखी होती, इसलिए सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर जो आवेश है उसको कैलकुलेट करना होता है। कॉम्प्लेक्स के नाम में जो धातु है उस धातु के नाम के आगे उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी हुई होती है। अब हमें उसके साथ जुड़े हुए लिगेंड्स की संयोजकताएं पता होती हैं, तो उसके आधार पर हम कॉम्प्लेक्स आयन पर स्थित आवेश को कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम इनके जब एग्जांपल करेंगे तो आपको ये रूल्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप रूल्स को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और आगे नाम लिखने में अप्लाई करेंगे। सेकेंड रूल इसका ये है कि सबसे पहले कैटायन का सूत्र लिखा जाता है, उसके बाद एनायन का फॉर्मूला हम लिखते हैं। तीसरा नियम ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स एंटिटी का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो एक बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले हम मेटल आयन को लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में सबसे पहले मेटल आयन का सिंबल लिखते हैं, उसके बाद हम एक एनायनिक लिगेंड लिखते हैं, और एनायनिक लिगेंड यदि एक से ज़्यादा उपस्थित हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है। अब सूत्र में अल्फ़ाबेटिकली लिखने के लिए जो फर्स्ट लेटर होता है उसी के आधार पर हम अल्फ़ाबेट का ऑर्डर डिसाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल H2O में H को हम कंसीडर करेंगे, एमीन में NH3 में N को कंसीडर करेंगे, OH में O को हम फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे। अब पिरिडीन जैसे जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको हम नाइट्रोजन का फॉर्मूला मानते हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी एमीन से भी ज़्यादा होती है। जिसमें अधिक नाइट्रोजन उपस्थित है जैसे इथाइलिन डाइएमीन, इसकी प्रायोरिटी भी पिरिडीन से कम होती है, यानी पिरिडीन जो है वो मोस्ट प्रायर है। यदि किसी कॉम्प्लेक्स में पिरिडीन मौजूद है तो हमें सबसे पहले एज लिगेंड उसी का नाम लिखना होगा। पहले क्या होता था, पहले कॉम्प्लेक्सेस में कैटायनिक, फिर न्यूट्रल और फिर एनायनिक लिगेंड के फॉर्मूला लिखे जाते थे, लेकिन अभी इसमें थोड़ा चेंज आ गया है और इस तरह से नहीं होता, अब अल्फ़ाबेटिकली होता है। जैसे अब आप देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें पहले एमीन और NO2 ये दोनों कैसे हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इनको लिखा हुआ है। तो इसमें ये एमीन सबसे पहले, उसके बाद में NO2 और फिर क्लोराइड लिखा गया है। लेकिन अभी आजकल क्या हो गया है, आजकल इसको इस तरह से चेंज कर दिया गया है जिसमें अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किया गया है। सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड, उसमें भी अल्फ़ाबेटिकली, उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड लिखा जाता है। अब देखो, कॉम्प्लेक्स जो होता है वो या तो कैटायनिक हो सकता है या एनायनिक भी हो सकता है। यदि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो उस पर जो धन आवेश है उसको न्यूट्रल करने के लिए
जितने एनायन की आवश्यकता होगी या जितने नेगेटिव चार्ज की आवश्यकता होगी उसके अनुरूप एनायनों की संख्या को बैलेंस कर दिया जाएगा। इसी तरह से यदि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स है, तो उस पर जितना ऋण आवेश उपस्थित है उसी के अनुसार कैटायन की संख्या को बैलेंस किया जाता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स पर जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस हो जाता है तो उसका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। अब अपन इसको उदाहरणों के द्वारा समझेंगे तो हमें ये सारे नियम बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब सबसे पहले अपन एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम हेक्साइनोफेरेट। हमको इसका सूत्र लिखना है, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि पोटेशियम हेक्साइनोफेरेट 2 का सूत्र लिखिए। अब देखो हमें कैसे इसको सॉल्व करना होता है। अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इसमें हम सबसे पहले कैटायन का फॉर्मूला लिखते हैं। इसमें कैटायन क्या है, पोटेशियम आयन है, और ऋणायन क्या है, जब कैटायन सिंपल है तो एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स एनायन है, इसका नाम है हेक्साइनोफेरेट। पोटेशियम का फॉर्मूला आपको पता ही है, के प्लस है, और एनायन जो है हेक्साइनोफेरेट का फॉर्मूला आयरन के ऊपर, चूँकि यह सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी हुई है और साइनाइड के 6 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं और एंटिटी के ऊपर एक्स माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है। इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब देखो इस एनायन में, ये जो एनायन कौन सा है हेक्साइनोफेरेट, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दे रखी है, +2 दे रखी है, और साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट हम जानते हैं कि -1 होती है। अब इस चार्जेस के आधार पर, इन चार्जेस के आधार पर हम इस कॉम्प्लेक्स आयन के उपस्थित के ऊपर जो -x लगा हुआ है इसका मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मान कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मान इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये देखिए x इज इक्वल टू 1 इंटू +2। 1 का क्या मतलब है कि एक इसमें आयरन एटम है, ठीक है, और उसका आवेश कितना है, +2 है, तो इसलिए हमने इसको 1 इंटू +2 किया। अब नेक्स्ट फिर हम देखते हैं कि इसमें साइनाइड लिगेंड लगा हुआ है जिसका चार्ज -1 होता है, इसके कितने मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 6, तो 6 साइनाइड लिगेंड लगे हुए हैं, इसलिए 6 इंटू इसके चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं -1 हो गया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है x की वैल्यू -4। अब देखो इस x को हम -4 यदि यहाँ लगा देंगे तो क्या होगा, हमें एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जबकि कॉम्प्लेक्स हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। तो हमें इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 धन आवेश जोड़ना पड़ेगा। अब 4 धन आवेश जोड़ने के लिए देखो पोटेशियम जो है, क्योंकि पोटेशियम लिखा हुआ है फॉर्मूला में, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, तो इस +1 को 4 बनाने के लिए हमको 4 पोटेशियम यहाँ पर जोड़ने पड़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला K4Fe(CN6) हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी, बहुत सिंपल है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हुए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब हम नाम लिखते हैं, नाम दे रखा है आपको टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3 आयन, इसका सूत्र लिखना है अपने को। अब देखो यहाँ पर हमको केवल कॉम्प्लेक्स कैटायन का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के लिगेंड हैं, एक तो उदासीन लिगेंड है अमोनिया, और एक एनायनिक लिगेंड है क्लोराइड, ठीक है, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट 3, ठीक है ना। इसमें क्या है,
इसमें हमको दो तरह के लिगेंड जो कि अवेलेबल हैं, एक तो है एमीन और दूसरा है क्लोरो। तो अब देखो हम इस तरह से इसका सबसे पहले बड़े ब्रैकेट के अंदर धातु परमाणु का सूत्र लिखते हैं जो कि कोबाल्ट है, नाम में कोबाल्ट आ रहा है तो हम सबसे पहले कोबाल्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। उसके ऊपर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दीजिए जो कि 3 दे रखी है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमको इसके बाद लिगेंड्स लगाने हैं। तो लिगेंड्स हम क्या लगा रहे हैं, सबसे पहले क्लोरो लगा रहे हैं और उसके बाद हम इसमें एमीन लिगेंड लगा रहे हैं। अब इस एंटिटी के ऊपर प्लस एक्स हम लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमको अभी इसकी एक्स की वैल्यू नहीं पता है, ये हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो अब कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। एक्स का मान किसके किस तरह से कैलकुलेट होगा, एक्स इज इक्वल टू, एक कोबाल्ट एटम है तो एक लिखेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए प्लस 3, प्लस क्लोरो लिगेंड कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं, इसका चार्ज कितना होता है, -1 होता है तो 2 × -1 हो जाएगा। और एमीन का चार्ज कितना होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये 0 होगा, तो इसलिए उदासीन लिगेंड होगा, पर इसकी संख्या 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी एक्स की वैल्यू आती है +1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कॉम्प्लेक्स कैटायन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, COCl2NH3 का होल 4 +1, यानी कि इसमें एक्स का मान कितना आया, +1 आया, यानी ये एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा। ये क्या है, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें ट्राइक्लोरो मोनोएथिलीन प्लेटिनेट का हमको फॉर्मूला लिखना है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स आयन है ये भी, ठीक है ना, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स आयन में के नाम के अंदर 8 आ रहा है, धातु परमाणु के साथ क्या जुड़ा हुआ है, प्लेटिनेट, मेटल कौन सी है, प्लेटिनम, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, 8, यानी इसमें लिखा हुआ है नाम में ट्राइक्लोरो मोनो इथिलीन प्लेटिनेट। इसका मतलब ये है कि नाम के एंड में 8 आ रहा है और यह किस बात का प्रतीक है, ये इस बात का प्रतीक है कि ये एक एनायन है। आपको हमने जब पहले फॉर्मूला लिखने वाले रूल्स बताए थे तब उनमें बताया था कि एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में मेटल के नाम के एंड में ATE8 लगा दिया जाता है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम सबसे पहले बड़े ब्रैकेट में धातु परमाणु का सूत्र लिखते हैं प्लैटिनम। इस प्लैटिनम के नाम के ऊपर, मतलब इस फॉर्मूला के ऊपर इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं जो कि 2 दे रखी है। आप लिगेंड्स लगाइए, लिगेंड्स में एनायनिक लिगेंड लगाओ, ये कौन सा है, क्लोरो, क्लोरो आपने लगा दिया, कितने हैं इसमें, ट्राइक्लोरो, तो इसका मतलब है Cl के आगे नीचे क्या लगेगा, सबस्क्रिप्ट में 3 लगेगा, 3 क्लोरो लिगेंड्स आ गए। और मोनो एथिलीन, इसका मतलब एथिलीन समूह जो है वो कितना लगेगा, केवल 1 ही लगेगा। और अब हम एक्स की वैल्यू को इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम एक्स को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, जिसमें हमने 1 एक प्लैटिनम एटम है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, 3 क्लोरो लिगेंड है जिनकी 3 की संख्या को हम इसके चार्ज -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एथिलीन तो 0 है क्योंकि न्यूट्रल लिगेंड है। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, -1 आती है। तो -1 होने का क्या मतलब है कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, यानी ये एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है जिसका ये फॉर्मूला हम लिखते हैं, है ना, सिंपल। चलो अब हम एक ब्रिजिंग लिगेंड का भी एग्जांपल लेते हैं। हमारा नाम है कॉम्प्लेक्स का ऑक्टो एक्वो म्यू हाइड्रोक्सो डाई आयरन 3 सल्फेट, इसका अपन को फॉर्मूला लिखना है। अब देखो
ये हमको म्यू वाला कॉम्प्लेक्स मिला है। इसका क्या मतलब है, हमने अभी लास्ट वीडियो में ही देखा था, इसका मतलब है इसमें ब्रिजिंग लिगेंड है, ये एक ब्रिजिंग लिगेंड है। और इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है और एनायन कैसा है, सिंपल एनायन है, क्योंकि नाम देखो, नाम में ऑक्टा एक्वो म्यू हाइड्रोक्सो डाई आयरन थ्री, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद क्या लिखा है, सल्फेट, यानी सल्फेट तो हो गया सिंपल एनायन, और जो कैटायन है वो कैसा है, वो कॉम्प्लेक्स कैटायन है। अब देखो चूंकि ये ब्रिजिंग लिगेंड है, ठीक है, इसलिए सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो अपन बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, बड़े ब्रैकेट में हम धातु परमाणु लिखेंगे, ठीक है। म्यू लगा इसका मतलब ब्रिजिंग लिगेंड है ना, तो आप दो आयरन के एटम लगा लीजिए, आपने दो आयरन एटम लिख लिए, जो कि कौन से ब्रिजिंग लिगेंड से जुड़े हुए हैं, ये म्यू हाइड्रोक्सो लगा है ना, म्यू डाई हाइड्रोक्सो, तो आपको ये भी पता है कि म्यू मतलब हाइड्रोक्सो कितने हैं, दो हैं, जो कि ब्रिजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ब्रिजिंग के साथ में दो OH समूह आपने धातु परमाणु से जोड़ दिए, दोनों धातु परमाणु पर आपने क्या लिख दिया, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री आपने शो कर दी। अब देखो यहाँ पर अब वाटर के आठ मॉलिक्यूल हैं जो उदासीन लिगेंड के रूप में हैं और दोनों आयरन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम सिमेट्रिक इसको बनाते हुए दोनों तरफ चार चार वाटर के मॉलिक्यूल लगा देते हैं, तो दोनों तरफ क्या होगा, सिमेट्रिक एंटिटी हो जाएगी। अब देखो इस तरह यदि हम लिखते हैं तो हम इसमें क्या करा हमने कि दो आयरन परमाणु जो कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में है उनको ब्रिजिंग लिगेंड से जोड़ दिया, उसके बाद आठ उदासीन लिगेंड वो लगा दिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि एक्स का मान कितना आएगा, इसको हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पर उदासीन लिगेंड तो ये आठ हो गए, और जो ब्रिजिंग लिगेंड OH हैं ये माइनस वन नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इनकी चार्ज इनका कितना होता है, माइनस वन होता है, तो माइनस वन वाले OH आयन है। तो अब अपन इस एनायनिक एंटिटी का कैटायनिक एंटिटी का चार्ज कैलकुलेट करते हैं। तो अब देखो X का मान हमें निकालना है, तो दो आयरन एटम है तो हमने यहाँ दो लिख दिया, दो क्या, दो के दो में प्रत्येक के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस थ्री, तो ये टू इंटू प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस आठ न्यूट्रल लिगेंड हैं जो जीरो से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद दो माइनस लिगेंड्स हैं, मतलब माइनस मतलब एनायनिक लिगेंड हैं जिनकी संख्या दो है, तो अपन टू इंटू माइनस वन कर देते हैं। तो अब अपन इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस फोर आ जाएगा, यानी कि कैटायनिक एंटिटी के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस फोर चार्ज है, ठीक है ना। अब हमको इस कॉम्प्लेक्स को उदासीन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको उदासीन करने के लिए हमको दो सल्फेट आयन लगाने पड़ेंगे, सल्फेट आयन दो, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर माइनस टू चार्ज होता है, ये आप देख रहे हैं सल्फेट के ऊपर माइनस टू चार्ज होता है, तो ये यदि इस कैटायनिक एंटिटी के बाहर हम SO4 का होल ट्वाइस लिख देंगे तो ये फॉर्मूला बैलेंस हो जाएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लेक्स का अपन ने नाम मतलब नाम से इसका फॉर्मूला बना लिया। अब देखो ऐसे कई कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका हम यदि IUPAC के रीसेंट रिकमेंडेशन से अपन यदि उनका नामकरण करते हैं तो अभी तक जिस तरह से उनका नाम चल रहा था वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स उनके फॉर्मूला और उनके नाम में जो डिफरेंस आता है उसको अपन यहाँ इस टेबल में आप देख सकते हो कि पूर्व प्रचलित नाम और सूत्र तो पहले ये हुआ करते थे, लेकिन अब आजकल उनको नवीनतम सिफारिशों के अनुसार इस प्रकार से जाना जाता है। तो आप ये टेबल एक बार पढ़ेंगे पूरी तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जो हमने रूल्स ऊपर रिकमेंड किए हैं वो अब किस तरह से चेंज हो गए हैं
और हम इस तरह से अब नई सिफारिशों के अनुसार नाम लिख सकते हैं। तो आशा है अब आपको यदि कोई नाम दिया जाएगा और उससे फॉर्मूला लिखने को आएगा तो आप एग्ज़ाम में बिना गलती करें अच्छी तरह इसको कर देंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम। थैंक यू।